नमस्कार भव्या सरे न्यूज समय नुपुर। किसी गीतकार ने लिखा है, समंदर में नहा के तुम और भी नमकीन हो गई हो। ये गाना काफी चर्चाओं में रहा, मशहूर हो गया और रातों रात कहते हैं जैसे इन दिनों टिकटॉक या कुछ अन्य वीडियो वायरल हो जाता है, उस जमाने में या आज के तारीख में भी आप ले लीजिए, कुछ गाना ऐसे होते हैं जो यादगार बन जाता है। और जैसे ही आज की तारीख में भी आप देखिए तो समंदर अगर सामने नजर आ जाए तो ये गाना सबको लगभग में याद आ जाएगा, पुनः समंदर में नहा के तुम और भी नमकीन हो गई हो। लेकिन बात जहां वायरल की होती है तो वहां याद आ जाता है सबसे पहले टिकटॉक, क्योंकि अभी तो भारतवर्ष में ये बैन है लेकिन बहुत जगह टिकटॉक चल रहा है। और उसी में अभी एक टिकटॉक जो बंदे हैं जो बना रहे थे टिकटॉक, वो समंदर की जगह दूध के टब में नहा रहे हैं और उससे पानी ले ले करके अपने मग से नहाते हुए एक वीडियो शूट किया और ये वीडियो काफी वायरल हुआ और वायरल इतना हुआ कि लोगों का ध्यान पे गया। अब बताइए, डेयरी फार्म के अंदर जहां प्लांट लगा हुआ है वहां आप टब में नहा रहे हैं और पानी ले लेकर यानी दूध लेकर के पानी की तरह आप नहा रहे हैं बिल्कुल। अब बताइए वो दूध का क्या होगा। और दूध कहते हैं सूर्य भगवान पे चढ़ाया जाता है, बच्चे उससे पोषित होते हैं और दूध से क्या कुछ नहीं होता है। दूध एक तरह से पूजनीय है, पूजा होती है दूध की, ईश्वर पे चढ़ाया जाता है। और वो बंदा नहा रहा है और नहाते हुए ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने में आज लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं किसी तरह, उसमें जान भी क्यों नहीं गंवाना पड़े वो उन्हें मंजूर है, लेकिन वायरल होना चाहिए। चलिए ये वीडियो तो वायरल हो गया, काफी वायरल हुआ और लोगों ने काफी निंदा की है और निंदा करने के बाद वायरल हुआ, स्वाभाविक है। और इनका जो नाम है वो है एरे सयार, जो वहां का श्रमिक है और वो पकड़ा गया और उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाले जो है, चूंकि सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं ये वीडियो देखिए आप, और ये है कोन्या, यानी कि ये तुर्की का है, लेकिन कोन्या एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्टी मैनेजर अली एर्गिन ने इस घटना की जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद इस प्लांट को बंद कर दिया, यानी कि जो फार्म है डेयरी फार्म इसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद वो बंदा तो अभी अंदर है। अब देखिए कितना वायरल हुआ, क्या नाम इसको कहते हैं, क्या दूध से नहाना क्या उपयुक्त है, क्या वीडियो बनाने के लिए, फेमस होने के लिए, क्या ये निंदनीय कार्य करना जरूरी था। लोगों ने काफी निंदा की है और इतना ही होता है कि इसके बाद भी रुकता नहीं अक्रम। कितने लोग ट्रेन पे दिस दैट पे बना लेते हैं, अपनी जान गवा देते हैं, छलांग लगा देते हैं कि चलो किसी तरह रात ही रात हम मशहूर हो जाएं। लेकिन क्या इसको कहते हैं मशहूर होना। लीजिए आज आप लॉक के अंदर है, लॉकर के अंदर है, जेल के अंदर बंद हो चुके हैं चूंकि आपकी गिरफ्तारी। अब देखिए वो डेयरी फार्म में भी इतने सारे लोग पोषित होते थे, इतने सारे बिजनेस और इतने सारे लोगों का पेट भरता था चूंकि उनके यहाँ चूल्हे जलते थे। अब लीजिए फार्म ही बंद हो गया, जितने मजदूर उसमें काम करने वाले थे, जब फार्म ही मजदूर है बंद हो चुका है तो नेचुरली जब बिजनेस बंद होगा तो कहाँ से वहाँ आप सर्विस कीजिएगा, नौकरी कीजिएगा और आपके घर चूल्हा जलेगा, सारे के सारे बेरोजगार हो गए। अब देखिए कब केस कब समाप्त होता है, कब वो डेयरी फार्म खुलती है। और दूसरी बात, अब तो उस डेयरी का लोग दूध भी लेना और पीना उपयुक्त नहीं समझेगा। पता नहीं किस रूप में आप दूध भरते हैं और किस तरह वो बेचते हैं और वो शुद्ध है या नहीं है, उसको कितनी मतलब जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही वो निंदा कम है। इसीलिए लोग कहते हैं आंखों से देखा हुआ कुछ भी बहुत गलत हो जाता है। कहते हैं ना किसी होटल में खाना खा लीजिए, थाली अगर सामने में आ जाए तो बिल्कुल प्रेम से हम लोग खाना खा लेते हैं क्योंकि उसमें सफाई नजर आती है, लेकिन वहीं अगर उसके किचन में आप चले जाइए तो बिल्कुल ही खाने का दिल नहीं करेगा, सिर्फ थाली चमकेगी लेकिन अगर किचन में जाके देखिए तो बिल्कुल ही साफ सफाई नदारत होती है। तो ऐसी ही चीजें हैं कि दूध का पैकेट जब भर करके हमारे घरों में आता है तो अच्छी तरह उसको धो करके, पैकेट को धो करके हम लोग उसको खौलाते हैं और उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ देख लीजिए बंदा क्या है कि बंदा, ये तो पहली वीडियो है, ना जाने पहले भी ये वायरल हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, लोग कैसे यूज करते हैं। तो इसमें काफी ही निंदा वाली बात है और ऐसी वीडियो जो लोग बनाते हैं उन लोगों को थोड़ी सी सोच और समझ होनी चाहिए कि कुछ भी बनाए तो बढ़िया बनाए जिससे हमारे देश को कुछ मिले। यानी सिर्फ भारत की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जिस भी देश के लोग कुछ अच्छा काम करते हैं तो पूरा का पूरा वर्ल्ड उसका अनुकरण करता है। इस तरह किसी भी चीजों में आप वीडियो
बनाइए, कुछ भी बनाइए, कोई भी कार्यक्रम कीजिए तो ऐसा कार्यक्रम कीजिए, या समाज के लिए कोई भी उत्थान का काम ऐसा कीजिए जिससे वो वायरल हो और उससे हमारा जितना भी विश्व है वो बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर लगे और लोग अनुकरण करें और आगे आने वाले जितने भविष्य हैं, जितने हमारे अनुज हैं, वो सोचे कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए और इसी सुमार्ग पे चलना चाहिए। तो कहते हैं थोड़ा ही कीजिए, अच्छा कीजिए, इतना मत कीजिए जो आने वाले कल के लिए भी, अभी आपके परिवार के लिए भी, अभी समाज के लिए भी और आपके देश के लिए भी निंदनीय हो।